Final match you perform, what happening? Final match you perform, what happening? What I mean? फ्रेंड्स, ये है हमारा ग्रुप और आज हम लोग आए हैं इंडिया टीम देखने, तो आज काफी एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर क्या कैसे कुछ है और ट्राई करेंगे एकदम अच्छे से दिखाए। तो अभी फिलहाल चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि क्राउड काफी आ चुका है यहाँ पर, काफी क्राउड आ चुका है और पूरा भर चुका है नरीमन पॉइंट। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। क्रिकेट को इंडिया में त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो आज हम यहाँ इसीलिए आए थे इस त्योहार में शामिल होने, ये त्योहार कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाने, और आज हमें ये मौका मिला था। तो सब लोग अलग अलग हो चुके हैं और इंडिया की टीम बाहर आ चुकी है, तो अभी देखते हैं। बस आइए, पर बस कोई यही निकले। आग लगा देंगे सब लोग, आग लगा देंगे। और इस साल
इंडिया 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 एनिमीज शेखर धवन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिले हमें कुछ दोस्त, उनसे थोड़ा सवाल कर ले। आज कितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर आया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत छोटे छोटे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश का माहौल अच्छा है, बारिश का माहौल अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी क्राउड है और ये भी यहाँ पर मज़ा होने है। तो फ्रेंड्स हम मिले और दूसरे दोस्तों से, जो इनसे भी पूछ रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो माहौल बना है तो कैसा लग रहा है? क्रेजी भाई, क्रेजी, बहुत मजा आ रही है, बहुत ज्यादा। 13 साल इंतजार किए भाई, क्रेजी। ये मोमेंट हमारा 19 नवंबर को भी हो सकता था, उसके बाद क्या वो हमारी एक मत मत याद मत दिलाओ। जो भी है ना, मैं भी कवर अप हो गया थोड़ा सा, अभी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छी फिर यही माहौल बनाया बनाया गया। बहुत जल्द आने वाले हैं। मुंबई चा राजा रोहित शर्मा, मुंबई चा राजा रोहित शर्मा। और एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनल मैच योर परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? नहीं भाई, विराट कोहली इसका आंसर सिर्फ चाल दे सकता है। तो फ्रेंड्स हमें मिले और एक दोस्त, तो इनसे थोड़ी क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपने लास्ट वर्ल्ड कप देखा था, लास्ट फाइनल बराबर, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैन मोमेंट रहा आपका वो कौन सा? सूर्य कुमार का कैच, सूर्य कुमार यादव का कैच, एंड सबका रिलेटेड सबका ही बेस्ट फैन मोमेंट रहा। हार्दिक पांड्या का फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर में अच्छा जो क्लासिंग का विकेट था, ओके, सो वो भी है काफ़ी अच्छी बात थी। और आपका जो फेवरेट प्लेयर है वो कौन है? हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, जिसे अभी 6 महीने पहले काफ़ी बूज मिल रहे थे। मैंने भी किया, आपने भी किया, और अभी अच्छा खेला तो इन्होंने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है हार्दिक पांड्या से रिलेटेड। और एक लास्ट क्वेश्चन, जो क्रिकेट अगर आप क्रिकेट देखते हो तो उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फाइनल मैच योर परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? फाइनल मैच योर परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? ये मैंने देखा है भाई, रील में। थैंक यू सो मच, और आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, फाइनल मैच योर परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? हां बड़ा मजा था। तो फ्रेंड्स हम लोग कब से रुके हैं, बट इंडिया टीम बाहर आई नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू लिए और उसमें ये बंदा जो है काफ़ी हेल्प किया, मेरा कैमरामैन बन के। क्राउड चिल्ला रहा है, पब्लिक चिल्ला रही थी। क्राउड यहाँ पे क्रेजी हो रही है और ये सारे बंदे मेरे साथ आए, इसको पहचानते रहेंगे ये। बट अभी तक इंडिया टीम बाहर आई नहीं है और यहाँ पर देखो आपको दिखा, देखो ये देखो रस्ते पे सो गए हैं भाई। इंडिया टीम का पता नहीं किधर है, तो इंडिया टीम आ रही है बट काफ़ी सारे लोग सोए, सब डाउन हो गए भाई, तो अभी वेट करते हैं इंडिया टीम का। और आप इस वीडियो में जो कुछ भी देख पा रहे हो वो हर एक इंडियन के रॉ इमोशंस है, वो इंडिया टीम के लिए है और इस बड़ी जीत के लिए, क्योंकि हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता था इस जीत को और वेलकम करना चाहता था हमारी टीम इंडिया को। और हर कोई बस वेट कर रहा था इंडियन क्रिकेट टीम के आने का। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नीचे बैठे हैं रस्ते पर, टोपी 1200 की।
तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 8 और हम लोग 4 बजे आए थे और ऑलमोस्ट 4 घंटे से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बट टीम इंडिया यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि क्राउड की भी क्या हालत हो चुकी है। टीम इंडिया अभी तक फिलहाल आई नहीं है, बस चिल्ला रहे सब लोग ऐसे ही। और हमारे जो टीम मेंबर थे, हमारे ग्रुप मेंबर, वो भी इस भीड़ में घूम चुके हैं, तो अभी तो वेट ही कर रहे हैं और देख रहे हैं इंडिया देखते ही जा रहे हैं, वेट करेंगे और आपको दिखा कर जाएंगे। बट अभी थोड़ा टाइम है और वेट करते हैं जैसे सब के टीम इंडिया को देखने के लिए, तो वेट करेंगे और आपको टीम इंडिया दिखा कर जाएंगे। वेट करना आप भी और देखते रहना। तो फ्रेंड्स हमने तो सारी टीम देखी, बट इसमें सारे लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि जब हमारे टाइम पे यहाँ पर बस आई तो सारे फोटो क्लिक्स करने बीच में आ गए, बट जितना दिखा पाया उतना मैंने आपको ट्राई किया दिखाने का। और अभी फिलहाल और ट्राई करते हैं क्या है क्या नहीं, यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस इतना ही था, मैं जितना भी दिखा पाता था उतना मैंने ट्राई किया और आपको दिखाया। और फिर टीम चली गई वानखेड़े स्टेडियम के अंदर और वहाँ भी अंदर काफ़ी सेलिब्रेशन हुआ और आपको मैंने कुछ फोटोज़ भी रख दिए थे, तो आपको फोटोज़ दिखे होंगे कि कैसा यहाँ का था माहौल। और अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड, तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब याद से कर देना। और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और इंडिया इंडिया तो चलो करते हैं एंड, बाय।